हाय एवरीवन, 1 मिनट सीरीज़ में केमिकल वेपन कन्वेंशन की बात करेंगे हम. सो केमिकल वेपन कन्वेंशन के बारे में बात करने से पहले आपको जिनीवा प्रोटोकॉल के बारे में पता होना चाहिए. सो जिनीवा प्रोटोकॉल केम इन 1925 और ये बेसिकली प्रोहिबिट करता था द यूज़ ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स इन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स या वॉर्स में. ठीक है, तो वॉर्स में केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स का यूज़ ना हो, दिस वॉज गिवन इन जिनीवा प्रोटोकॉल, राइट. एंड बट ये उसकी प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड ट्रांसफ़र के बारे में इट वॉज साइलेंट, राइट. सो देन केम द केमिकल वेपन्स कन्वेंशन इन 1993. सो इट इज़ अ मल्टीलेटरल ट्रीटी बैनिंग द केमिकल वेपन्स एंड इट रिक्वायर्स देयर डिस्ट्रक्शन विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. इट इज़ ऑफ अनलिमिटेड ड्यूरेशन और ये ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है. क्यों? क्योंकि ना केवल ये बैन करता है उनके यूज़ को बट उनके पोजेशन को भी, राइट. उसके बाद देर आर 4 UN स्टेट्स विच आर नॉट पार्टी टू केमिकल्स वेपन कन्वेंशन: इसराइल, इजिप्ट, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ सूडान. इसराइल दे हैव साइंड बट दे हैव नॉट रेटिफाइड इट. बाकी की जो 3 स्टेट्स हैं, इजिप्ट, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ सूडान, दे हैव नाइदर साइंड नॉर रेटिफाइड. और जो CWC है, ये एडमिनिस्टर कौन करता है? OPCW, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, विच ऑल्सो वन द नोबेल पीस प्राइज इन 2013, राइट. उसके बाद अगर हम केमिकल वेपन्स की बात करें, वी हैव अनदर ग्रुप, दैट इज ऑस्ट्रेलिया ग्रुप. इनफॉर्मल ग्रुप है, ठीक है. सो इट एक्चुअली वॉन्ट्स के एक्सपोर्ट कंट्रोल्स हो, ताकि एक्सपोर्ट्स दे डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स, ठीक है. सो इट इज़ वन ऑफ द 4 एक्सपोर्ट कंट्रोल रजीम्स, राइट. इंडिया इसका 43rd मेंबर बना. अभी इसमें 43 मेंबर्स हैं. इंडिया बिकेम द 43rd पार्टिसिपेंट, दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. उसके बाद जब हम केमिकल वेपन्स की बात करते हैं, तो हम सरीन गैस की बात करते हैं. सो व्हाट इज सरीन गैस? कलरलेस, ओडरलेस एजेंट है, राइट. एंड इट अटैक्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ये क्या करता है? देर आर पेनफुल एंड अनकंट्रोलेबल मसल कॉन्ट्रैक्शंस, जिसके वजह से ब्रीदिंग बिकम्स डिफिकल्ट एंड द पर्सन डाइज ड्यू टू एस्फिक्सिएशन, राइट. और इसको कहा जाता है, अगर प्योर है तो 26 टाइम्स डेडलियर देन साइनाइड, राइट. And there are symptoms like runny nose, tightness in the chest and constriction of the pupils of the eye, right. So there are other, so the person becomes, he happens to lose control of the bodily functions. So you can either inhale it, okay, or it can even be absorbed through skin. Or kyunki colorless or odorless hai, to kisi ko pata hi nahi chalta if it is around, right. So this is about this. Thank you so much.